नमस्कार दोस्तों, तो आज हम अपना सेशन शुरू करने वाले हैं 2018-19 का अकाउंट्स के साथ। आई होप आपने इंतजार जरूर किया होगा हमारा। पहली बुक जो आज हम उठाने वाले हैं वो है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और जो पहला टॉपिक होगा वो है बैलेंस शीट #CSKMonday। आज जो हमारी होने वाली है वो होने वाली है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। यू नो द मेन प्रॉब्लम इज फॉर ऑल द चैप्टर्स, अब चाहे तुम उठा के शेयर्स पढ़ लो, चाहे उठा के डिबेंचर्स पढ़ लो, दिक्कत एक जगह पे आके अटक जाती है, और वो ये है कि 11th में कुछ और पढ़ाई की थी और 12th में कुछ और पढ़ने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं 11th का छोर पकड़ के 12th को पढ़ना। बड़ा शॉर्ट इंट्रो। बिजनेस दो लोगों से एसोसिएटेड होता है। पहला हो जाता है आपका ओनर, यानी अगर मैं बिजनेस को लेकर चलता हूं फर्स्ट पार्टी, ओनर ऑटोमेटिकली बन जाता है सेकंड पार्टी। और मेरे ख्याल से आउटसाइडर्स के बारे में आपने सुन रखा होगा, आउटसाइडर्स को नाम दिया जाता है थर्ड पार्टी। मतलब ये जो ओवरऑल बिजनेस स्ट्रक्चर होता है ये कुछ इसी तरीके से बात करता है, या एक तरीके से कम्युनिकेट करता है ओवरऑल। अब इसमें याद करने वाली बात क्या है, देखो भाई, अगर आप एक ओनर हो तो पैसा हमेशा आपका ही है, लेकिन आपने बिजनेस को दे रखा है। तो मैं अभी क्योंकि कंपनी अकाउंट्स पढ़ा रहा हूं आपको, यानी मेरा पूरा का पूरा मोटिव सिर्फ एक है कि मैं प्रस्पेक्टिव जो लेके चलूंगा वो बिजनेस का लेके चलूंगा, बिकॉज मैं बिजनेस को ही कंपनी टर्म दे सकता हूं। कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग अ कॉमन सील एंड परपेचुअल सक्सेशन। समझ में आ रहा है ना आपको मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो बिजनेस जब मेरे सेंटर पॉइंट पे है, मतलब जो मुझे करना है वो बिजनेस के बारे में करना है, तो चलो देखते हैं ओनर के प्रोस्पेक्टिव से क्या हुआ। ओनर ने बिजनेस को पैसा दिया, यानी बिजनेस के पास जो पैसा आया वो बिजनेस बोलेगा एक्विटी, या एक और नाम से जाना जाता है ओनर्स फंड, या एक और नाम से जाना जाता है, मान लो आप अपने 4 से 5 फ्रेंड्स के साथ बिजनेस करना चाहते हो, हर एक बंदे का थोड़ा बहुत शेयर या कंट्रीब्यूशन होगा आपके बिजनेस में, हर बंदा थोड़ी बहुत कैपिटल आपके बिजनेस में लगाएगा, तभी तो वो कहलाएगा उस बिजनेस का ओनर। यानी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पार्ट हर पर्टिकुलर आपके फ्रेंड का है उस बिजनेस के अंदर, तभी हर बंदे ने जो हिस्सा लगाया हुआ है या जो शेयर लगाया हुआ है उस कारण से वो बंदा कहलाएगा शेयर होल्डर। तो यानी ओनर्स फंड को एक और नाम से जाना जाता है, और वो होता है शेयर होल्डर्स फंड। तो क्या सीखा हमने, ओनर से जो पैसा मिलता है बिजनेस को वो पैसा बिजनेस कहता है सबसे पहले बहुत बेसिकली एक्विटी। अब ये जो एक्विटी होता है इसको अगर एक और नाम दिया जाए तो वो होता है ओनर्स फंड, या एक और नाम देना चाहें अगर आप उसे तो आप नाम दे सकते हैं शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर क्यों, क्योंकि वो जो शेयर्स हैं, यानी शेयर्स क्या हुए, हर एक बंदे ने जो हिस्सा लगाया है, फंडिंग दी है, शेयर होल्डर्स का फंड हुआ। जो भी कंपनी में शेयर हिस्सेदारी यानी पार्ट ओन करता है, बिकॉज उस बंदे ने कैपिटल लगाई है, उस बंदे ने फंड कंट्रीब्यूट किया है। ये पार्ट क्लियर हुआ। अब जब हम बात करते हैं थर्ड पार्टीज की, यानी आउटसाइडर्स की, बिजनेस अगर आउटसाइडर्स के साथ डील करता है तो वो दो प्रकार से उधारी ले सकता है। उधारी का मतलब हिंदी में हो गया उधारी, और इंग्लिश में हो गया लायबिलिटी। यानी अगर बहुत ही शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए, देखो यहां पे एक बड़ी खास बात बता देता हूं, अब यहां पे शॉर्ट टर्म में आप, अगर मैं आपसे पूछता हूं चलो यार व्हाट इज द शॉर्ट टर्म, तो कई लोगों के दिमाग में आएगा सर 1 साल। व्हाट इज लॉन्ग टर्म, सर 1 साल से ज्यादा। वो एग्जाम्पल्स होते हैं भाई लोग, है ना, वो 1 साल जो हम बोलते हैं दैट इज जस्ट एन एग्जाम्पल। आज के टाइम में मॉडर्न अकाउंटिंग के अंदर हम 2018-19 के सेशन में बैठे हुए हैं, और काफी लोग ये क्वेश्चन कर रहे हैं सर पुराने वीडियोस ही देख के क्यों ना काम चला लें आप, क्यों इतनी मेहनत करके नए वीडियोस ला रहे हो, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट कॉमर्स, थिंग्स आर चेंजिंग विथ एवरी सेकेंड इन कॉमर्स इन इंडस्ट्रीज लाइक दीज। सो प्लीज कीप इन माइंड कि जो पिछले साल वर्क करता था शायद इस साल वो वर्क ना करे, वरना सारे स्कूल्स में रिकॉर्डिंग करके छोड़ देते और आपसे बोलते देखते रहो, उन्हें पढ़ाने की जरूरत नहीं होती। तो यहां पर जरूरी क्या है, व्हेन दे टॉक अबाउट इन अकाउंट्स अबाउट द शॉर्ट टर्म, शॉर्ट टर्म का मतलब दो तरीके से होता है,
या तो आपका अकाउंटिंग ईयर आप कंसिडरेशन में ले सकते हो, लेकिन उससे ऊपर जो कंसिडरेशन में लेना है वो लेना है ऑपरेटिंग साइकिल। नाउ व्हाट इज ऑपरेटिंग साइकिल? बिजनेस जो एक पर्टिकुलर पीरियड तक ऑपरेशंस करता है उसको बिजनेस नाम देता है ऑपरेटिंग साइकिल। यानी ट्रेड पेबल्स जो होते हैं वो 12 महीने से ज़्यादा के भी हो सकते हैं, 18, 19 महीने के भी हो सकते हैं, 18, 19 मंथ के भी हो सकते हैं, अगर मेरा ऑपरेटिंग साइकिल 24 मंथ का है, ऑल्दो बियॉन्ड दैट भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मेन कंसिडरेशन क्या हुआ? ऑपरेटिंग साइकिल। अगर कोई भी ट्रांजेक्शन ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर होता है तो वो करंट नेचर का हो जाता है, और अगर ऑपरेटिंग साइकिल के बाहर का होता है तो वो नॉन करंट हो जाता है। से फॉर एग्जाम्पल हमारी ऑपरेटिंग साइकिल है 24 महीने की, 24 मंथ की, कोई भी ट्रांजेक्शन वेदर इट इज इन टर्म्स ऑफ एसेट्स और लाइबिलिटीज, अगर मैं बात करूं कोई भी ट्रांजेक्शन अगर है जिसके थ्रू एक लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है, अगर वो 24 मंथ तक या उससे कम तक क्रिएट होती है तो करंट लाइबिलिटी, इवन दो अगर वो 12 महीने से ज्यादा की है तो भी वो करंट लाइबिलिटी कहलाएगी। कारण क्योंकि हम यहां पे कंसिडरेशन लेके चल रहे हैं ऑपरेटिंग साइकिल को, एक साल करंट लाइबिलिटी नहीं होती, ठीक है? ऑपरेटिंग साइकिल 24 महीने की है, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24 मंथ तक भी अगर कोई ट्रांजेक्शन होता है जिसके कारण लाइबिलिटी क्रिएट होती है तो वो करंट लाइबिलिटी कहलाएगी। हाँ, 25th मंथ की कोई अगर लाइबिलिटी क्रिएट होती है तो वो नॉन करंट हो जाएगी, क्योंकि वो ऑपरेटिंग साइकिल के बियॉन्ड जा रही है। तो क्या सर अकाउंटिंग ईयर को कंसिडर ना करें? बिल्कुल मत करो, ऐसा मिथ छोड़ दो कि अकाउंटिंग ईयर के अंदर अगर कोई ट्रांजेक्शन होता है तो वो करंट हुआ, एक साल के बाद होता है तो वो नॉन करंट हुआ, ऐसा कंसेप्ट अब नहीं है। क्या समझ गए बात को? तो हम यहां पे समझते हैं कि आउटसाइडर्स से लायबिलिटी कैसी, मैं समझा चुका हूं, ज्यादा बोर नहीं करूंगा। 24 मंथ्स की मैंने क्या बोला? ऑपरेटिंग साइकिल है। अगर 24 मंथ्स के अंदर कोई लायबिलिटी क्रिएट होती है आउटसाइडर्स के कारण तो वो कहलाएगी आपकी करंट लायबिलिटी, और अगर ऐसा नहीं है उससे ज्यादा टाइम पीरियड है 24 मंथ से ज्यादा का तो वो क्या हो जाएगी? लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी। तो क्या सीखा, क्या ऐसा ज्ञान प्राप्त किया आपने? क्योंकि मैं ज्यादा मोनोटोनस नहीं हो सकता ना, बोरियत होने लगती है। यहां पर हमने बहुत खास बात सीखी कि बिजनेस जो है वो दो पार्टीज से कनेक्टेड है। अगर आप यहां पर ध्यान से देख सकते हो जो भी दिया हुआ है तो उसमें दो पार्टीज इन्वॉल्व हैं, एक हो गया ओनर और एक हो गए आउटसाइडर्स। मैंने सीखा ये आज कि अगर ओनर से आप कनेक्टेड हो तो ओनर से जो भी ट्रांजेक्शन्स करोगे आप वो आपके ट्रांजेक्शन्स इक्विटी, शेयर होल्डर्स फंड, ओनर्स फंड के नाम से जाने जाएंगे, और जो भी आप चीजें आउटसाइडर्स के साथ करोगे वो आपकी लाइबिलिटीज नाम से जानी जाएंगी, वेदर इट कैन बी करंट लाइबिलिटी और कैन बी नॉन करंट लाइबिलिटी। मित्रों, इसलिए तो कहा जाता है कि आप सबसे पहले जो बैलेंस शीट में एक हेडिंग देखते हैं वो कहलाती है इक्विटी एंड लायबिलिटीज। सीखा के नहीं सीखा कि जो वो जो हेडिंग इक्विटी एंड लायबिलिटीज होती है वो किस कारण से इक्विटी एंड लायबिलिटीज कहलाती है, आपके लिए क्लियर हो गया है। यानी अगर ओनर का पैसा है तो इक्विटी, और अगर आउटसाइडर्स का पैसा है तो लायबिलिटीज। इसी के कारण हमने तीन मेजर हेड्स सीख लिए हैं जब बात आती है बैलेंस शीट के पहले वाले सबसे मेजर हेड की, और वो मेजर हेड क्या है? इक्विटी एंड लायबिलिटीज। कौन सी तीन हेडिंग सीखी, चलो देखते हैं। ये वाला पेन अच्छा नहीं चल रहा है, तो वो तीन मेजर हेड आपके क्या हैं? एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। इक्विटी एंड लायबिलिटीज के अंदर तीन हेड, पहला शेयर होल्डर्स फंड, दूसरा नॉन करेंट लाइबिलिटीज, और तीसरा करेंट लाइबिलिटीज। क्या इसी फैशन में लिखना है? जी हाँ। क्या यही ऑर्डर होगा? बिल्कुल, क्योंकि ये परमानेंट होती है, माना जाता है परमानेंट होती है, ये लॉन्ग टर्म होती है और ये शॉर्ट टर्म होती है। ऑर्डर आपको समझ में ही आ रहा होगा, फॉर इन्फिनिट पीरियड ऑफ टाइम, फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, एंड फॉर लाइक ऑपरेटिंग साइकिल बेसिकली। तो यहां पर ये ऑर्डर आपको याद रखना है। पहली चीज तो हमने कर ली इक्विटी एंड लायबिलिटीज के अंदर की, आप इसको ऐसा कैसे याद करेंगे? सब हेड्स इसके क्या हो गए, आगे सीखेंगे। अभी एक अप्रोच होती है हर चीज को सीखने की व्हेन इट कम्स टू अकाउंट्स, और अगर अप्रोच एक बार आपको आ गई तो आपको पूरी बैलेंस शीट इन डिटेल इन डेप्थ याद हो जाएगी। तो चलो एक बार फिर से याद करते हैं। मेजर हेड क्या आया? इक्विटी एंड लायबिलिटीज। उसके अंदर सबसे पहला, सांसें ले लो गहरी, बिना चीटिंग किए बोलना है मेरे साथ। तो पहली चीज इसके अंदर क्या आ गई? शेयर होल्डर्स फंड, जिसको एक और नाम क्या देते हैं?
ओनर्स फंड, बिल्कुल सही। और उसके बाद नेक्स्ट क्या आ गया, नॉन करेंट लाइबिलिटीज। तीसरा क्या आ गया, करेंट लाइबिलिटीज। कोई अगर आपसे पूछता है चलो कि क्या भाई करंट लाइबिलिटीज वो लाइबिलिटीज होती है जो एक साल से कम के लिए होती है, नहीं। कौन सी होती है करंट लाइबिलिटीज, जो ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर होती है, दैट कैन बी मोर देन वन ईयर। ऑपरेटिंग साइकिल कैन बी मोर देन वन ईयर। अगर ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर कोई भी ट्रांजेक्शन है लाइबिलिटीज नेचर का तो करंट हुआ, ऑपरेटिंग साइकिल से बाहर हुआ तो नॉन करंट हुआ। याद हो गया, आगे बढ़ते थे। अब अगर मैं बात करता हूं एसेट्स की, तो एसेट्स के सिर्फ दो पार्ट हैं। पहला हो गया नॉन करेंट एसेट्स, वो एसेट्स जो आपके साथ लंबे वक्त तक टिकते हैं, और दूसरे हो गए करंट एसेट्स जो कि आपके लिए सिर्फ एक बहुत ही कम टाइम के लिए, जो हम नाम देते हैं जैसा मैंने आपको बता ही दिया कि ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर तक रहते हैं। यानी वो एसेट्स, फिर से बोल देता हूं, जो ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर टिकेंगे आपके साथ रहेंगे आपके हो गए वो करंट एसेट्स, और जो ऑपरेटिंग साइकिल से ज्यादा टाइम पीरियड तक टिकते हैं वो हो गए नॉन करंट एसेट्स। तो ये चीजें आपको दिमाग में डालना जरूरी है कि हमने एसेट्स और लायबिलिटीज दोनों के मिला के मेजर मेजर हेड्स कर लिए हैं। तो यार आपको हेडिंग्स कैसे याद रखनी है, लायबिलिटीज हो गए चाहे एसेट्स हो गए, इन दोनों के अंदर पूरी बैलेंस शीट मिला लो तो मेजर हेड्स होते हैं दो। पहला हेड हुआ इक्विटी एंड लायबिलिटीज, दूसरा हेड हुआ एसेट्स। ये दो मेजर हेड्स हैं। पहला हेड जो इक्विटी एंड लायबिलिटीज का है उसके पार्ट हुए तीन। पहला पार्ट शेयर होल्डर्स फंड, दूसरा पार्ट मुझे सुनाई नहीं दे रहा यार, दूसरा पार्ट नॉन करेंट लायबिलिटीज और तीसरा पार्ट करेंट लायबिलिटीज। अब उसके बाद अगर एसेट्स के अंदर आ जाते तो एसेट्स के अंदर सिर्फ दो पार्ट हैं, पहला नॉन करेंट एसेट, दूसरा करेंट एसेट। बस इतना ही, ये तो बस शुरुआत है। आज हैशटैग CSK Mondays का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था, वो छोटी सी इंट थी जिससे आपको दिखाना था कि वाकई में पढ़ाई कैसे की जाती है। हमने वो चीज की जो शायद आधा घंटा लेती 10 मिनट के अंदर। ऐसे मत जाना, इसके जस्ट बाद वेडनेसडे को जो वीडियो आने वाला है उसका एक छोटा सा प्रोमो अटैच्ड है आपके लिए, देखकर जरूर जाना, प्रेस करके जरूर जाना। तो मिलते हैं वेडनेसडे को हैशटैग टैग वेडनेसडे के साथ, तब तक के लिए बाबा जी की तरफ से धन्यवाद। I'm made in innocence, I feel a discontent.